सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज पंजाब दी सियासत दे विच बहुत महत्वपूर्ण दिन क्या जा सकता है, क्योंकि पंजाब दे विच मुख विरोधी धिर आम आदमी पार्टी दे वल्लों 2022 दीआं विधानसभा चोणां दे लई एजेंडा तय कर दिता गया है। पंजाब दे लोकां दे सामने आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा रख दिता है कि आखिर किन्हां मुद्दियां नूं लैके आम आदमी पार्टी अगलियां विधानसभा चोणां लड़ेगी। आप दे नैशनल कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब आए सन अते पंजाब दे लोकां दे लई उहनां दे वल्लों पंज वड्डे ऐलान कर दिते गए ने। अते ए पंजे वड्डे ऐलान बिजली दे नाल, इलैक्ट्रिसिटी दे नाल, लाइट दे नाल जुड़े हुए ने। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों पिछले काफ़ी सालों तो बिजली अंदोलन चलाया गया है, पर हुण जदों विधानसभा चोणां नेड़े आ रही ने तां केजरीवाल ने पंजाब आ के पंजाब दे लोकां नूं पहली गरंटी दे दित्ती है। ये एक बुकलेट जारी की गई है आम आदमी पार्टी दे वल्लों, जिस दे विच केजरीवाल की पहली गरंटी पंजाबियों नूं दे दित्ती गई है। इस दे विच आम आदमी पार्टी ने बिजली का मुद्दा चुकिया है, मुफ्त अते 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों इस ते अपने साइन भी किए गए ने। केजरीवाल हुण आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे लोकां नूं गरंटियां देणगे, वादे नहीं करनगे, गरंटियां देणगे। अते बिजली नूं लैके महिलावां नूं वधाई भी आम आदमी पार्टी दे वल्लों दित्ती गई है। यह बुकलैट जारी की गई है अते इस दे नाल बिजली नूं लैके अरविंद केजरीवाल दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच पंज वड्डे ऐलान कर दिते गए। हालांकि उन्होंने तीन वड्डे ऐलान किए ने, पर दो सवालों के जवाब देंदे अरविंद केजरीवाल वड्डे ऐलान कर बैठे, असीं तुहानूं पंज वड्डे ऐलान दसण जा रहे हाँ। इन्हां दे विच सब तो पहला अते सब तो वड्डा ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पंजाब दे लोकां लई इह कीता गया है कि पंजाब दे विच 300 यूनिट तक बिजली पंजाब दे सारे ही लोकां नूं मुफ्त दित्ती जाएगी। हुण इस वेले पंजाब दे विच ऐसी भाईचारे दे लोक 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है, जिनी भी उपर खपत होंगी है 200 यूनिट तो बाद सिर्फ उन्ना ही बिल ऐसी भाईचारे के लोगों आता है। इस तरीके बीसी भाईचारे के लोगों भी कुछ छोट मिली हुई है, पर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कोई भी शर्त नहीं होएगी, कोई ऐसी बीसी नहीं, पंजाब के हर एक परिवार को 300 यूनिट तक बिजली आम आदमी पार्टी की जेकर पंजाब सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिती जाएगी। अजिहा ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कर दिता गया है। यह पहला ऐलान है जिसनों के सब तो वड्डा ऐलान आम आदमी पार्टी दे वल्लों किया जा सकता है। दूजा सब तो वड्डा ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों यह किया गया है कि इस वेले पंजाब दे विच गलत तरीके नाल लोकां नूं बिल भेजे जा रहे हैं, जिवें कि मन लो कि एक पखा है किसी के घर दो बल्ब ने, उसनों 50,000 रुपए का बिल, 51,000 रुपए का बिल, 60,000 रुपए का बिल भेजा जा रहा है। अजिहे सारे बिल कैंसल किए जाएंगे, जिन्हां दे कनैक्शन कटे गए ने उन्हां दे कनैक्शन बहाल एक बार फिर तो किए जाएंगे। अजिहे गलत बिल आउण दे करके जिन्हां दे वल्लों बिल पे नहीं किए गए, बिल नहीं भर सके लोग, उन्हां दे बिल पूरे मुआफ कर दिते जाएंगे, भावें वह 50,000 रुपया होवे, भावें 1,00,000 रुपया होवे, सारे बिल मुआफ किए जाएंगे जिन्ने भी पेंडिंग रहिंदे होणगे। जेकर बिजली महकमे दे वल्लों उन्हां दी बिजली कट दिती गई है तो आम आदमी पार्टी की जेकर पंजाब सरकार बनती है तो उन्होंने कनैक्शन एक बार फिर तो जोड़ दिता जाएगा। अजिहा ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कर दिता गया है। तीजा मुख्य ऐलान अरविंद केजरीवाल ने यह किया है कि एक तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, दूजा सारे पिछले बिल मुआफ कर देंगे, कनैक्शन बहाल कर देंगे, यह सारा कुछ होगा। 24 घंटे बिजली पंजाब दे लोकां नूं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जेकर 300 यूनिट तक मुआफ है तो बिजली आनी नहीं है, 24 घंटे बिजली आया करेगी, बिल्कुल कट नहीं लगेगा। इस वेले पंजाब दे विच झोने का सीजन चल रहा है, किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, शायद इस करके ही 24 घंटे बिजली वाला वादा भी अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पंजाब दे लोकां दे नाल कर दिता गया है। ये तो हो गए वो तीन फैसले जिहड़े कि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के वालों सीधे तौर पर किए गए ने। हुण दो फैसले तुहानू अरविंद केजरीवाल के वह दसन जा रहे हैं, दो ऐलान तुहानू दसन जा रहे हैं जेडे कि उन्होंने पत्रकारां दे सवालां दे जवाब दिंदियां कर दिते ने। पहला अते चौथा फैसला जिसनू किया जा सकता है चौथा ऐलान, उस दे विच अरविंद केजरीवाल दे कोलों पुछिया गया कि 300 यूनिट जिहड़ी बिजली मुआवजा तुसीं ऐलान कीता है ये लागू कदों होवेगा, तां केजरीवाल ने ऐलान कर दिता कि जदों ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उस सरकार का पहला फैसला ही यह होवेगा, जदों पहले फैसले लिए कलम चलेगी वो सिर्फ तो सिर्फ 300 यूनिट बिजली मुआफ करने वाले फैसले लिए ही चलेगी, भाव आम आदमी पार्टी की जेकर पंजाब दे विच सरकार बनती है तो उस सरकार का पहला फैसला यही होवेगा कि पंजाब के लोगों को 300 यूनिट तक बिजली मुआफ की जाएगी। पंजवां जिहड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल के वालों किया गया है वह भी पत्रकारां दे सवालां दे जवाब दिंदियां ही किया गया है, जदों पुछया गया कि 24 घंटे तक बिजली कदों मिलेगी, पूरा फुल 24 घंटे तक जिहड़ी तुसीं कहा है कि बिजली मिलेगी वो कदों तक मिलेगी, तो उस बारे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि मैं उस बारे झूठ नहीं बोलांगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाउणा पैंदा है, सारा कुछ सैट करना पैंदा है अते मैनूं अपने तजर्बे तो लगता है कि पंजाब दे विच जेकर 24 घंटे बिजली पूरे पंजाब दे विच देनी है तो उसदे लई 3 से 4 साल तक का समां लग सकता है, मैं झूठ नहीं बोलांगा, जिन्ना समां मैनूं लगता है कि लगेगा मैं उन्ना ही पंजाब दे लोकां नूं दस रहा हाँ। इस तरह ये पंज वड्डे ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कर दिते गए ने, पर इस सब दे विच तुहाडे लई ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जिहड़ी 300 यूनिट तक बिजली मुआफ करन दा ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कीता गया है उस दे विच एक शर्त भी रखी गई है, शर्त यह है 300 यूनिट तक कोई भी शर्त नहीं है, सारयां नूं मुआफ होएगा, पर अगली शर्त यह है कि जेकर 300 से 301 यूनिट भी बढ़ता है तो फिर सारे ही 301 यूनिट का बिल भरना पवेगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जेड़ा परिवार तो 300 यूनिट तक बिजली की खपत करेगा कोई पैसा बिल नहीं आएगा, जीरो बिल आएगा, जेड़ा परिवार 300 तो वध जिनी भी खपत करेगा उसनू फिर सारा ही बिल भरना पेगा, मान लो 301 यूनिट खपत कर दिती है किसी ने तो फिर 300 यूनिट मुआफ नहीं होएगा, 301 यूनिट का बिल उस परिवार को भरना पवेगा, अजिहा ऐलान अरविंद केजरीवाल के वालों कर दिता गया। जदों केजरीवाल के कोलों पुछया गया कि मुफ्त का ऐलान तो तुसी करी जांदे हो, पंजाब दी तां वित्तीय हालत पहला ही बहुत माड़ी है, किवें करोगे, पैसा कित्थों आएगा, अरविंद केजरीवाल कहिंदे ने कि जदों दिल्ली दे विच मैं सरकार सांभी सी उदों दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपया सी, जिसनों हुण साडी सरकार दे वल्लों डबल कर दिता गया है, 5 सालां दे विच 60,000 करोड़ का बजट कर दिता गया है। जेकर गल कीती जावे पंजाब दे बजट दी तां उह है 1,80,000 करोड़, इसनों असी 4,000 करोड़ तक पहुँचा सकते हैं, अजिहा ऐलान अरविंद केजरीवाल के वालों किया गया है। वो कहते हैं कि पैसे की कोई भी कमी नहीं है, पंजाब के कोल बहुत ज़्यादा पैसे के स्रोत ने, बस कमी है तो ईमानदार सरकार की लीडर की नीयत की, दिल्ली के ईमानदार सरकार आई है तो उत्थे पैसे की बचत होन लग पई है क्योंकि भ्रिष्टाचार नहीं हुंदा, जिहड़ा लोगों की जेबां दे विच पैसा जांदा सी, जिहड़े लोग खांदे ने पैसा भ्रिष्टाचारी ने उन्हां दीआं जेबां दे विच जिहड़ा पैसा जांदा सी ओह हुण सरकारी खजाने दे विच आ जांदा है अते सरकारी खजाने दे विचों पैसा हुण आम लोगों दीआं जेबां तक पहुँचदा है, अते पंजाब दे विच वी असीं बिल्कुल इसे तरह ही करांगे, ईमानदार सरकार जेकर पंजाब दे लोग बनाउणगे उस दे नाल उन्हां दा ही पैसा, केजरीवाल कहिंदे ने कि मैं कोई लुट के नहीं लै जाणा, जेकर पैसा वधदा है रेवेन्यू वधदा है पंजाब दा तां मैं किहड़ा घरे लै जाणा है, लोगों का ही पैसा है वापस लोगों तक ही पहुँचा देना है, इस करके जेकर लोगों को कोई चीज़ मुफ्त दे विच भी दे रहे हैं तो उस दे विच कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि लगातार केजरीवाल से सवाल यह भी उठ रहे सन कि मुफ्तखोरी की आदत पा रहे हैं लोगों, उन्होंने एदा नहीं करना चाहिए, पर केजरीवाल दावा करते हैं कि मैं किहड़ा अपने घरों दे रहा लोगों का ही पैसा है लोगों को वापस दे रहा, इस गलत की है, लोग टैक्स देंदे ने लोगों के कोलों ही सरकार पैसे इकट्ठे करती है, सरकार का फर्ज बनता है कि वह पैसा लोगों तक वापस लोग भलाई दकीम के तहत पहुँचाया जाना चाहिए है, इस मुफ्तखोरी की आदत नहीं किया जाना चाहिए, यह व्डा दावा अरविंद केजरीवाल के वालों कर दिता गया है। उन्होंने कोलों पुछया गया कि पंजाब दे विच रोजगार की बड़ी कमी है उस लई तुसी की कर रहे हो, कोई ऐलान करोगे, तो कहिंदे ने कि पहली गरंटी दे दित्ती है
बिजली वाली जिहड़ी अगली दूजी गरंटी देनी है केजरीवाल की दूजी गरंटी वो पंजाब दे विच रुजगार नूं लैके ही होवेगी। दो महीने का समा कहिंदे ने मैनूं दिओ, दो महीने दे विच एक नीति तैयार करांगा क्योंकि हुण बिजली नूं लैके भी मैं नीति तैयार करके आया, इसे करके ही अपने सिग्नेचर करके गरंटी दे रहा हाँ। सारी पॉलिसी मैं बना ली है कि पंजाब दे विच मुफ्त बिजली किवें दित्ती जा सकती है। हुण दो महीनों दे विच पंजाब दे विच नौकरियां नूं लैके एक नीति बनावांगा, उस तो बाद दूजी गरंटी पंजाब दे बेरोजगारां नूं रुजगार देण दी लैके आवांगा। अजिहा ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कर दिता गया है। जिहड़ी गल कहिंदे ने कि इस वेले जिहड़ी बिजली मिल रही है, जिहड़ी एसी भाईचारे नूं बिजली मुफ्त मिल रही है, किसानां नूं मुफ्त मिल रही है, कि उस ते भी कोई असर पवेगा, तां केजरीवाल ने कह दिता है कि जिन्हां स्कीमां दे तहत पहलां लोकां नूं बिजली मुफ्त मिल रही है, साडी सरकार जेकर सत्ता दे विच आउंदी है, बणदी है आम आदमी पार्टी दी सरकार, तां उहनां स्कीमां नूं कुछ भी नहीं किया जाएगा, कोई भी छेड़छाड़ उन्हां स्कीमां दे नाल नहीं की जाएगी। जिवें वो स्कीमां चल रही ने हुण वो 200 यूनिट तक ने, उन्हां नूं 300 यूनिट तक किया जाएगा, किसानां नूं बिजली मुफ्त मिलती रहेगी। साडी सरकार लोगों के भले लई आएगी, ना कि उन्हां नूं तंग करन दे लई। ये सारे ऐलान अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पंजाब दे लोगों लई कर दिते गए ने। एक सवाल तुहाडे कोलों पुछ लैणा चाहुंदे आ कि अरविंद केजरीवाल दी इस पहली गरंटी बारे तुहाडा की कहना है, मुफ्त अते 24 घंटे बिजली जिहड़ी उन्होंने गरंटी दित्ती है, इस गरंटी बारे तुहाडी की राय है, तुहानूं की लगता है कि उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह वांग एक चुनावी दावा ही किया है, वादा ही किया है, कि जां फिर सचमुच ही इस नूं गरंटी दे वजों देखिया जा सकता है। जो भी तुहानूं लगता है कमेंट करके अपनी राय खुल के बेबाक हो के जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखते रहना चाहते हो तो यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।